Good morning, students. Students, today we are going to discuss our another topic, that is works of computer and uses of a computer in our daily life. So let's start. First is works of computer. Student, computer is a wonderful and useful machine and it helps us to do many things. आप कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारे कार्य कर सकते हैं. फर्स्ट इज टाइपिंग. यस, वी कैन डू टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर. आप कंप्यूटर पे टाइपिंग कर सकते हैं. सेकेंड इज ड्राइंग. यू कैन ड्रॉ एनी पिक्चर इन MS पेंट. आप पेंट प्रोग्राम में कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कलर फिल कर सकते हैं. थर्ड इज कैलकुलेशन. यू कैन ऑल्सो डू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इन कंप्यूटर. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं. फोर्थ इज मैसेजेस, मैसेजिंग. यू कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेजेस यूजिंग द कंप्यूटर. आप कंप्यूटर के थ्रू किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. फिफ्थ इज प्रिंटिंग. Can also take out the printout that you have done, that work you have done in the computer. अगर आपने कुछ भी काम कंप्यूटर में किया है, कोई टाइपिंग करी है, तो उसका प्रिंट आउट भी आप इजली कंप्यूटर से ले सकते हैं. सो दीज आर द वर्क्स ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट इज टाइपिंग, सेकेंड इज ड्राॅइंग, थर्ड इज कैलकुलेशन, फोर्थ इज मैसेजिंग, फिफ्थ इज प्रिंटिंग. तो ये सारे काम आप कंप्यूटर में कर सकते हैं. Next we talk about the uses of computer. So these are the uses of computer that we have used in our daily life. First is ticket booking. Acha, at airport you can book the tickets online. आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ आप कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने टिकट्स को बुक कर सकते हैं. सेकेंड इज send and receive messages. Yes, you can also use the computer to send and receive the messages to your relative using the email ID. आप अपनी email ID के through, net के through अपने friends को message send कर सकते हैं, receive कर सकते हैं. Third is study. In study, you also use the computer for आप पढ़ने के लिए use कर सकते हैं. Study में आप online कुछ search कर सकते हैं. आप अपने असाइनमेंट, होमवर्क में, क्लास वर्क में आप हेल्प ले सकते हैं. एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हैं. फोर्थ इज बिल पेमेंट. इन शॉप्स एंड मॉल्स यू कैन आल्सो पे द बिल यूजिंग द कंप्यूटर. कैसे कंप्यूटर से आप बिल पे कर सकते हैं? आप कंप्यूटर पे कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से बिल पे कर सकते हैं. और उसके साथ साथ आप शॉप्स में जाते हैं तो वहाँ भी आपको बिल जो मिलता है रिसिप्ट की फॉर्म में मिलता है, तो वो कंप्यूटराइज होता है. नेक्स्ट इज प्लेइंग गेम. यू कैन ऑल्सो प्ले ऑनलाइन गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. आप कंप्यूटर पे ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, ऑफलाइन गेम खेल सकते हैं. फॉर एग्जांपल चेस, क्रिकेट. सिक्स्थ इज वॉच मूवीज एंड कार्टून्स. यू कैन ऑल्सो वॉच मूवीज एंड कार्टून्स ऑन अ कंप्यूटर. आपको जो भी मूवी अच्छी लगती है, कार्टून्स अच्छे लगते हैं, आप उस पर देखते हैं. नेक्स्ट इज लिसन टू म्यूजिक. एंड यू कैन ऑल्सो लिसन योर फेवरेट सॉन्ग ऑन द कंप्यूटर. आप कंप्यूटर पे अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं. सो दीज आर द सम यूजेस ऑफ कंप्यूटर दैट वी हैव यूज इन आवर डेली लाइफ. आई रिपीट इट अगेन. फर्स्ट इज टिकट बुकिंग, सेकेंड इज सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, थर्ड इज इन स्टडी, फोर्थ इज बिल पेमेंट, फिफ्थ इज प्लेइंग गेम्स, सिक्स्थ इज वॉच मूवीज एंड कार्टून, सेवेंथ इज लिसन टू म्यूजिक. Next today your work is you have to do these question answers in your notebook. First is what is computer. So computer is an electronic device. Computer कौन सी device है? Electronic device. Second is what is electronic device. Electronic device क्या होती है? Device which use electricity is called electronic device. जो devices electricity से चलती हैं उन्हें हम electronic device कहते हैं. थर्ड इज राइट टू यूजेज ऑफ कंप्यूटर. आपको कंप्यूटर के दो यूज़ लिखने हैं. फर्स्ट इज प्ले गेम, सेकेंड इज वॉच मूवीज.
फोर दिस हु हैज़ नो माइंड, किसके अंदर दिमाग नहीं होता है, कौन दूसरे के इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, सो कंप्यूटर हैज़ नो माइंड. फिफ्थ इज राइट द नेम ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सो आपको कौन सी ऐसी डिवाइसेस लिखनी है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, कूलर एंड टीवी. सिक्स्थ इज राइट द नेम ऑफ एनी टू मशीन, सो आंसर इज कंप्यूटर एंड रेफ्रिजरेटर. सो टुडे योर होमवर्क इज यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक नीटली एंड लर्न देम ऑल्सो. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कल आपका टेस्ट भी है चैप्टर नंबर वन का कंप्यूटर मशीन का, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने टेस्ट के लिए. आपको सारे MCQs, फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो भी एक्सरसाइज वर्क है, क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से लर्न करना है. कल आपको टेस्ट आएगा तो उसके बाद आपको कंप्लीट करके टेस्ट को अच्छे से तैयारी करनी है, फिर उसके बाद कंप्लीट करना है टेस्ट को और उसको सबमिट कर देना है. ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.